वेबसाइट से बन रहे फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड, फर्जी कंपनी बैंक खाता खोलने व सिम एक्टिवेट कराने के लिए साइबर अपराधियों ने किया था इनका इस्तेमाल। साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी आधार और पैन कार्ड बनाने वाले गिरोह के 12 लोगों को पकड़ा है जिनके तार दिल्ली NCR से जुड़े हुए थे। पुलिस का मानना है कि फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड की सबसे अधिक खपत दिल्ली NCR में हुई है, जिसका इस्तेमाल फर्जी कंपनी या बैंक खाता खोलने और सिम एक्टिवेट कराने के लिए साइबर अपराधियों ने किया है। ऐसे करते थे वारदात। आरोपी डोमेन सर्विस प्रोवाइडर से एक डोमेन खरीदकर वेबसाइट बनाते थे। यह यूज़र बेस वेबसाइट होती थी जिसमें किसी भी व्यक्ति का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर यूज़र आईडी बना लेते थे। आईडी के बाद वेबसाइट में आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य डिजिटल गैजेट बनाने के लिए दो तरह की प्रोसेसिंग मिलती है। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन फिंगरप्रिंट की से या मैनुअल सवतः डाटा भरकर फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड और डिजिटल गैजेट बना सकता है। क्या है नुकसान? साइबर अपराधी आर्थिक धोखाधड़ी करते हैं, डेटा से गलत पहचान पत्र बनाकर अवैध कामों में इस्तेमाल होता है, ऑनलाइन परेशान करने अनचाहे नंबर से कॉल आ सकती हैं, निजी मैसेज, चैट या तस्वीरें लीक होने से शर्मिंदगी का खतरा, दवा का अवैध कारोबार करने वाले मेडिकल डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं।